प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, इस साल 130वीं जयंती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी मतलब जयंती का दौर था, लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों जो भीम सैनिक है लोगों ने मतलब गवर्नमेंट को साथ देने के लिए कोविड जैसी महामारी जिसको बायोलॉजिकल हम लोग वार समझ रहे थे उसको हम लोग समझ उसको मतलब उससे बचने के लिए लोगों की जान माल का हानि ना हो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने नहीं मनाया। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि इस वीक चुकी जो जयंती इस टाइम भी गवर्नमेंट ने बराबर अप्रैल के महीने में लॉकडाउन लगाया, लेकिन इस बार हमको कोविड का डर नहीं है। हमने देखा कोविड एक जो है मतलब एक षड्यंत्र जैसा हमको महसूस हो रहा है, और हम 14 अप्रैल के दिन हम लोग जो हमारे भीम सैनिक हैं पूरे जल्लोश से मतलब कि जो बाबा साहेब की जयंती 130वीं जयंती मनाएंगे, हम लोग इस पर हम लोग इस टाइम जरा भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के कुछ कुछ स्टेटों में इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर लाखों की भीड़ खड़े हो रही, तो वहाँ पर लोग कोई कोविड या कोई मतलब कि किसी प्रकार की बीमारी का मतलब प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई असर फैलाव नहीं हो रहा, और किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है तो वहाँ पर फैलाव नहीं हो रहा है, और ऊपर से कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लाखों हिंदू जो लोग ये है भक्त है जो हर साल जाते हैं और बहुत बड़े लाखों की जल्लोश में लोग जमा होते हैं, कुंभ का मेला जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है उसको मदद करती है उधर मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे मतलब लोग जमा होते हैं, वहाँ पर कोविड का कोई प्रसार प्रसार नहीं हो रहा है, उस पर कोई लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा है सिर्फ महाराष्ट्र में और बाबा साहेब की जयंती के लिए की। तो इसीलिए इस बार जब सभी भीम सैनिक हैं सबको मैं अपील करता हूँ, और मैं खुद मैं चाहता हूँ कि 14 अप्रैल जैसे हर जल्लोश में हर साल जिस जल्लोश से बनता था इस साल भी जल्लोश से बनेगा, और हम बनाएंगे चाहे गवर्नमेंट का लॉकडाउन का ये नियम टूटे या एसओपी टूटे उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, और जेल जाने को भी हम तैयार हैं। सर आपको क्या लग रहा है कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, अन्य राज्यों में अलग चीज़ें हैं महाराष्ट्र में अलग, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अन्य राज्यों में और इस स्टेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे जो सरकार है कहीं ना कहीं मतलब कि जो महाराष्ट्र में जो इन्होंने लॉकडाउन लाने की कोशिश की और जो मतलब कि धीरे धीरे मतलब ये कर रही उसके मुझे बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन यहाँ पर ना बढ़के ये मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन यहाँ पर बढ़ गया नहीं, यहाँ पर जो क्योंकि अगर महाराष्ट्र ने अगर मुद्दा उठा दिया महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हो गया तो फिर दिल्ली को झुकना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार इन दिनों घेरे में है, कई मंत्री पद छोड़े गए हैं और अचानक इस तरीके का लॉकडाउन लगना कहीं ना कहीं लोगों को खटक रही है ये चीजें भी। नहीं मतलब मंत्री पद का छोड़ना और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे पापी बता दिए, उद्धव ठाकरे जी कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद कर रहे हैं मीटिंग बन गई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो किसान आंदोलन जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था उसको महाराष्ट्र सपोर्ट मिले। सर और क्या क्या मुद्दा लेकर आए, क्योंकि लोग जो है महाराष्ट्र से जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा हुई उसके बाद से ही मुंबई पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस टाइम ऐसा हो गया कि लोग जो थे पलायन इसलिए कर रहे हैं, लेबर क्लास के पास पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बियर बार होटल रेस्टोरेंट जिसकी जो लोग जो बहुत बड़े जहाँ पर जहाँ पर है कि एक होटल में 50-50, 60-60 एम्प्लॉय रहते थे, अचानक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि एक महीने का मतलब लॉकडाउन होने वाला, और डिक्लेयर करने से पहले भी देखो आपने देखा होगा ये सरकार का खेल, देखो उनको पैसा चाहिए टैक्स चाहिए, जीएसटी में कोई छूट नहीं दी इन्होंने, कोई चीज़ में छूट नहीं दी। बियर बार आपने देखा गए साल जो होटल रेस्टोरेंट जो F3 का लाइसेंस लेते हैं उनको लाखों रुपया फीस भरना पड़ता, पिछले साल में जब लॉकडाउन था तब उन्होंने 8 महीने उन्होंने बंद रखा तो भी उनको लाइसेंस भी इस टाइम को रियायत नहीं मिली, और गवर्नमेंट ने कहा कि 1 तारीख से पहले 31 मार्च के अंदर बल्कि 1 तारीख को बंद भी था तो 2 तारीख को पूरा फीस ले ली और पूरा जब फीस जमा हो गया लाइसेंस का और इन्होंने मतलब कि लॉकडाउन डिक्लेयर किया। तो कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ सरकार को टैक्स चाहिए पैसे चाहिए पर लोगों के हित के लिए काम करने को तैयार नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो लोग जा रहे हैं प्लान कर रहे हैं वो डर गए क्योंकि उनको लग रहा है कि लॉकडाउन अभी यहाँ पर बढ़ने वाला है कि पेशेंट की जो पेशेंट की जो गिनती है बढ़ती जा रही है दिन ब दिन क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन भी चल रहा है तो वैक्सीनेशन की वजह से भी लोगों को मतलब कोरोना फैल रहा है और टेस्टिंग ज़्यादा होने से लोगों को रिपोर्ट मतलब आ रही है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट हो रहे तो मालूम पड़ रहा है कोरोना, लेकिन कोरोना से डेथ मॉर्टेलिटी रेट कुछ भी नहीं 0.01% लोगों का डेथ रेट है, तो कोरोना से कोई मर ले रहा, हम मरते नहीं थे क्या? 130 करोड़ की हम लोग की आबादी है कि लोग मरते नहीं थे, मरते थे पहले भी मरते थे लेकिन अब कोई मर रहे थे लोग जबरदस्ती कोविड में डाल के लोगों को डर का मतलब माहौल तैयार कर रही है। सर वर्तमान समय में या पहले जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने ना कोई पहले सुविधा की घोषणा की, बिजली हो चाहे बच्चों की परीक्षाएं हो, फीस माफ़ करने का हो, कई ऐसे मामले हैं, और ना वर्तमान समय में अब 2 दिन का लॉकडाउन वैसे लगाया, रात में कर्फ्यू लगाया है, सरकार नहीं कर रही, क्या कहेंगे इस पे?
सीधी आपने देखा होगा पहले जब लॉकडाउन चला तो लोग सरकार ने मतलब घोषणाएं की थी, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार स्कूल की फीस माफ़ कराएगी, लाइट का बिल हो उसको माफ़ कराएगी, जो बैंकिंग ईएमआई चल रही है उस पर कुछ रियायत देगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मोदी ने सिर्फ थाली भजवाए और दिए जलवाए पर लेकिन रियायत नहीं मिली, स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई रियायत नहीं मिली। और ये तो मुझे लगता नहीं इस टाइम भी जो लॉकडाउन हुआ है सरकार इसमें कोई रियायत देने वाली। सरकार मतलब लोगों की तरफ मतलब क्या ना ये ही नहीं है, मतलब लोग चाहते ही नहीं है मतलब लोगों को रिलीफ मिले किसी तरह का, और रिलीफ देने के लिए उनके पैसे है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सेंट्रल से कुछ जीएसटी के पैसे आने के थे अब तक आए नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसे का मतलब अभाव लग रहा है या इनको इच्छा शक्ति नहीं लग रही उनकी करने की। बीजेपी ने एक दिन पहले इसका विरोध किया, आज राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी कर रही राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आने वाले समय में अगर लॉकडाउन पूर्णतया लॉकडाउन सभी दिन का लगा देते हैं अनिश्चितकालीन तो पार्टी क्या करेगी आपके यहाँ? देखो आपने देखा होगा इस बार जब लॉकडाउन लगाया तो बहुत सारी छोटी छोटी संगठनें थी वो जो रोड पे उतरी उसका विरोध किया, पर इस बार अगर वापस अगर बढ़ाने की कोशिश करते और अभी भी हम लॉकडाउन को मान ले रहे, लेकिन क्या करें, पुलिस फोर्सफुली जो पुलिस को जो ऑर्डर आता है पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, व्यापारी संघ भी जो भी है हम लोग सब इकट्ठा होकर हम लोग बातचीत चल रही है हमारी कि इसका पूरी तरह ताकत से पूरे जोर लगा के हम लोग का विरोध करें, हम लोग की तैयारी चल रही है इसके बारे में। और कुछ